माँ कहती है कि अपने भगवान से ये मत कहो कि आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स से कह दो कि आपका भगवान कितना बड़ा है। माता रानी, मैंने अपनी प्रॉब्लम्स क्या सबको बता दिया कि मेरी माता रानी ना सबसे बड़ी है और बेस्ट है, तो बस आज का दिन भी बेस्ट बना दो ना, गुड न्यूज दे दो प्लीज प्लीज प्लीज। सुहानी, क्या आया रिजल्ट? सुबह से माता रानी को धमकियां दिए जा रही है, कुछ फायदा हुआ? देख, मैंने ना हलवा भी चढ़ा दिया है कि तू पास हो गई, अब बता दे क्या आया रिजल्ट? हाँ, मैं पास हो गई, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। अरे लेकिन इतनी अच्छी खबर तो इतनी दबी आवाज में क्यों दे रही है? दादी, दादी मंदिर गई है और पापा कल आने वाले हैं, सुहानी खुशियां मना दो पापा। अच्छा रुक रुक, एक मिनट, अभी आई मैं। कहाँ? रुक ना। क्या छुपा रहे हो आप माँ? पहले आंखें बंद कर, फिर दिखाती हूँ। अब आंखें खोल। इस पे मेरा नाम है। सुहानी बेटा, पता है एक माँ की परवरिश तब कामयाब होती है जब उसके बच्चों के सपने पूरे होते हैं। बच्चों की कामयाबी में ही माँ बाप अपनी खुशी देखते हैं। तुझे पता है बचपन में जब तोतली जबान में मुझे डॉक्टर बनना है बोलती थी, और घर घर खेलते वक्त तो इस स्टेथोस्कोप से सबका चेकअप करती थी, सारे बच्चे तुझे डॉक्टर सुहानी शर्मा बुलाते थे। मैं इतना प्राउड फील करती थी कि मेरी बेटी डॉक्टर। ये सपना सिर्फ मेरा नहीं,
बल्कि ये हमारा सपना है। आप हमेशा मुझे कहती हो कि खुश रहा कर, और आज आपकी आंखों में आंसू। तक पकड़ी, ये तो खुशी के आंसू। अच्छा, अपनी खुशी दुगनी करनी है? कैसे? अपने वाला गाना लगाऊं? हो जाए। ओहो, डीजे वाले ईशान बाबू, हमारा गाना चला दो। पता है ना कि आज सुहानी ने स्कॉलरशिप का एग्जाम पास कर लिया है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन बाहर पापा हुए हैं। साहब, इतना ट्रैफिक था, 10-20 रुपए और दीजिए ना। भीख ही मांगनी है तो टैक्सी क्यों चला रहे हो? सुधा, नमस्ते बाबा जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ये ले जाओ पानी। तुम्हारे लिए सुहानी अभी बच्ची होगी, लेकिन असल में वो बड़ी हो चुकी है। समझाओ उसको कुछ। नाश्ता तैयार है? हाँ जी। लगाओ थाली, मैं हाथ पैर धो के आता हूँ। माँ, पापा को कैसे बताएंगे एडमिशन के बारे में? उनको ना फ्रेश होकर नाश्ता कर लेने थे, मुंह ठीक हो जाने दे, फिर मैं बात करती हूँ। ईशान, आजा बेटा, नाश्ता कर ले। खा लिया बाबा। खा लिया? पर कहीं तू ये नूडल्स और पिज्जा बर्गर तो नहीं खा रहा है आजकल? हैं? नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ फल फ्रूट पे ज्यादा ध्यान दे, दिमाग तंदुरुस्त रहेगा तभी तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तू। जी बाबा, वरना तो मुझे फुटबॉलर ही है। आई मैं मर जावा। सूखा परांठा? मेरे बेटे के खाने से ही तूने मक्खन घी के पैसे बचाने हैं? माँ, पापा का मूड अभी अच्छा है, आप बात करो ना। सुनिए, किसका फोन है? दिया। किरिया से बात करना छोड़ा नहीं तूने अभी तक? दूर रहने के लिए कहा था ना मैंने? तो तेरी ये बेटी मेरी समझ के बाहर है सुधा। इरिया टाइप की बड़े खानदान की लड़कियां, इनका सारा समय फैशन और आवारा गर्दी में गुजरता है।
और मैं नहीं चाहता कि हमारी सुहानी उनके साथ रह के ये सब कुछ सीखे। अरे बेटा की कर रहे, खा ना। ना माँ, ये घी और मक्खन की वजह से एक ही हैवी हो गया। अरे इससे तो चूहे का भी पेट ना भरे। जी वो आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो ना। वो सुहा एक मिनट, सर का फोन है। हेलो। हेलो राकेश जी। जी सर। हाँ मुझे वो फाइल चाहिए थी एक्चुअली। सर वो ओबेरॉय रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वाली फाइल। हाँ सर अभी। जी 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 सर, मैं अभी लेके आता हूँ। जी सुनो सुधा, अभी तो मैं निकल रहा हूँ, तुम जो बात करना चाहती हो ना मैं शाम को आके बात करता हूँ। सुधा ओ भाई, फाइल रखी थी बेड पे, दिखाई नहीं दे रही। हाँ जी। मैंने कहा फाइल रखी थी बेड पे, दिखाई नहीं दे रही। जी वो काम के पेपर यहाँ वहां ना हो जाए ना, इसलिए उस दराज में रखी है फाइल। ठीक है। वो पापा। ओए पीछे से आवाज नहीं मारते, काम रुक जाता है। अरे बहू रानी, जरा चंगी सी चाय पिला। जी माँ जी। देख अंकल की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, चला जाके देखते हैं। अंकल क्या हुआ? बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो हम करते हैं? अरे हमें मौका तो दो अंकल, पड़ोसी हैं आपके, हर तरह से मदद करेंगे आपकी। अगर जी सूझी है क्या है? तुम्हारे पापा को बोल के भूत उतरवा दे तुम्हारा। भाग यहां से। बदतमीज कहीं का।
हजार दफा बोला ना तेरे को बाहर मत निकला कर, तो जानती नहीं बाहर का माहौल, देखती नहीं टीवी में, पढ़ती नहीं अखबार, जगह जगह लफंगे खड़े, फिर भी तू। पहले दोनों ने खाना खराब किया और अब दिमाग खराब कर रही है। अरे ये तो चंगा है मेरी सांसें चल रही हैं, नहीं तो इन दोनों ने तो तेरी गृहस्थी भी खराब कर देनी थी। क्यों गई थी बाहर? हाँ? कुछ बोल भी। पापा गलत फाइल ले जा रहे थे। क्या हुआ? अरे तुम ईशान को बोल देना था, और नहीं तो मुझे बोल देती। और तू क्यों कटी पतंग की तरह लहराती हुई बाहर चलेगी मोहल्ले में? कोई बात नहीं बेटा, तू अपना दिमाग ठंडा कर, जा दफ्तर जा। ओए फाइल दे। दोबारा ये सब तमाशे बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल को कोई बात हो गई तो क्या मुंह दिखाऊंगा समाज बिरादरी को मैं? रोज यही तमाशे। बस 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 बस, सॉरी बेटा। तूने देखा ना तेरे पापा का मूड कितना खराब था। आज बाहर दो लड़कों ने देख क्या लिया, पापा इतना भड़क गए। आपको लगता है वो मुझे कोविड कॉलेज में एडमिशन लेने देंगे? जिंदगी भर उन्होंने मुझे गर्ल्स स्कूल में पढ़ाया है, लेकिन आज तक उनसे पूछे बगैर हमने कुछ नहीं किया। पूछना तो पड़ेगा ही ना। एक काम करते हैं, वो शाम को आएंगे ना तब मैं बात कर लूंगी, तो कल चली जाना। आज फॉर्म मिलने की आखिरी डेट है, फॉर्म ही नहीं मिलेगा तो एडमिशन कहाँ से लूंगी? तुझे पता है ना तेरे जितना ही मैं भी तेरे पापा से डरती हूँ, लेकिन तेरे सपनों से हौसला मिलता है। तू जब हमारा सपना पूरा करेगी, डॉक्टर बन जाएगी, तो शायद तेरे पापा की सारी शिकायतें, सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। और आपने ही तो सिखाया, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तेरे फॉर्म के लिए कुछ सोचा है मैंने, ये बता पेड़े खाएगी? है लाल पेड़े तो चली, किसी अंधे से सहारे का पूछेगी तो क्या वो मना करेगा? बना ले। तो फिर मैं बड़े बाजार जाऊं खोआ लाने? जा। ठीक है माँ जी। सुहानी चल मेरे से, चल।
आ गई तेरी मंजिल। फाइनली तेरा सपना पूरा हो गया, चल पेड़े खिला। अरे उसी के लिए तो खोआ लेने जा रही हूँ। रिया तू दोस्त मेरी है, स्कॉलरशिप मुझे मिली है और झप्पिया माँ को। तेरे साथ साथ सुधा का भी तो सपना पूरा हुआ है ना? अगर अंकल घर पे नहीं रहे ना तो मैं घर आके पेड़े खा लूंगी, वरना मेरे हिस्से के पेड़े तू कॉलेज ले आना। ठीक है ठीक है, लेकिन चले पहले सेल्फी। रिया तेरा कॉलेज तो एकदम वो करण जौहर की फिल्मों जैसा है, फुल ऑन फिल्मी स्टाइल वाला। बेब बहुत जल्दी कॉलेज तेरा भी होने वाला है। अच्छा रिया तेरा वो समवन स्पेशल वो भी यहीं पढ़ता है ना? हाँ वो भी यहीं पढ़ता है, बहुत जल्द मिलवाऊंगी तुझे उससे। और सुन हम दोनों तेरे सीनियर्स हैं तो फुल रिस्पेक्ट, समझी? ओके मैम। चलें चलो। और आज के इस इनॉग्रल फुटबॉल मैच के इनॉग्रेशन के लिए एक बहुत ही स्पेशल चीफ गेस्ट हमारे बीच में आने वाले हैं, जिनको वेलकम करेंगे टीम लेजेंड के कैप्टन अंश और टीम विक्ट्री के कैप्टन और कॉलेज टॉपर रणवीर। आप जहां कहीं भी हो जल्दी से स्टेज पर पहुंच जाएं, आपका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सुहानी तू एक काम कर, तू एडमिशन काउंटर पर जा, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। अरे लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तू चल ना मेरे साथ। तुझे वो रिसेप्शन दिख रहा है? वहां से तू राइट लेगी ना तो वहां पे एक एडमिशन काउंटर है, वहां क्यों है तू समझ जाएगी। मैं मेरे मिस्टर स्पेशल का हाल चाल पूछ के तुझे बाद में स्पोर्ट्स हॉल के पास मिलती हूँ ना। सी यू। चीफ गेस्ट कभी भी आ सकते हैं और अभी तक रणवीर का कहीं अता पता नहीं। वेल रणवीर की खबर हमें होना हो पर उसके बेस्टीज को जरूरत होती है। हाँ जैसे हमारा तो आधार कार्ड लिंक है ना रणवीर के साथ। वैसे रखो यार रणवीर है कहाँ पर? मुझसे ये सब सवाल मत पूछा कर यार, मेरे को टेंशन होने लगता है। मुझे क्या पता कहाँ है, उस इंग्लिश मीडियम को पूछना, उसको पता होगा। इंग्लिश मीडियम? कौन इंग्लिश मीडियम? अरे रिया हाँ, जैसे दीपिका बन के रणवीर के साथ जिंदगी जो शुरू करनी है इसलिए उसके साथ ना तत्तर तत्तर करके घूमती रहती है। मुझ पर ऐसा लिख रहे हो? ये कुछ कह रहा था।
हाँ बोलो ना, मैं भी सुनना चाहती हूँ। देखते हैं तुम्हें 100 में से कितने मार्क्स मिलते हैं। रिया हम लोग तो दोस्त है ना, और जो दोस्त कमीने नहीं होते ना वो कमीने दोस्त नहीं होते। अच्छा एंड इस वक्त यार बताना रणवीर कहाँ पर है, तुझे तो पता होगा ना। बिल्कुल गाइस लेट मी चेक। रिया बोल, रणवीर कहाँ है? तूने नजर रखने को कहा था ना, तो नजरों के सामने ही है। अभी वीडियो कॉल कर। ओह माय गॉड। लेट्स गो गाइस। फुटबॉल मैच के लिए कंसंट्रेशन एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आई मस्ट से बहुत सही जगह चूज की है तुमने। चांद की तरह हमेशा अलग चमकते हो तुम इस कॉलेज में। चार्मिंग हो, टैलेंटेड हो और हॉट भी हो, तो इसलिए मैच से पहले एक गुड लक किस तो बनता है ना। Yeah.